वेलकम बैक बोट माइंड्स। बोट माइंड्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है WBC काउंटिंग बाय हीमोसाइटोमीटर। WBC हम किस प्रकार से काउंट करते हैं ब्लड के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। एक हीमोसाइटोमीटर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कॉटन स्टरलाइज नेडल और डायल्यूटिंग फ्लूड। इन ऑपरेटर्स के बारे में एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले न्यूबार्स हीमोसाइटोमीटर एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। इस न्यूबार हीमोसाइटोमीटर में क्या होता है, स्पेशल ग्लास लाइट्स और WBC पिपेट। ये है न्यूबार ग्लास लाइट्स, हीमोसाइटोमीटर की एक ग्लास लाइट्स है जिसके द्वारा हम WBC को काउंट करते हैं। इसमें तीन प्लेटफॉर्म रहते हैं, 1, 2 एंड 3। मिडिल प्लेटफॉर्म जो है ये एच शेप बनाता है, इसमें हॉरिजेंटल्स और वर्टिकल ग्रुप्स रहती हैं जो एच शेप बना लेती हैं। दोनों के बीच में कुछ चैम्बर्स हैं, दो चैम्बर्स रहते हैं ये, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। इन दोनों चैम्बर्स में बहुत सारी स्मॉल स्क्वायर्स की सेल्स बनी होती हैं जिनमें हम WBC को काउंट करते हैं। ये किस प्रकार से बने होते हैं इसका आगे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। दूसरा, डायल्यूटिंग फ्लूड चाहिए होता है। डायल्यूटिंग फ्लूड किस प्रकार से बनाया जाता है उसका तरीका हमने बता दिया है, फिलहाल देख लीजिए। जेंशियन वायलेट एक डाइज होती है जिसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिलाकर हम इसका सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। यह सोल्यूशन WBC को डाइज देती है और साथ साथ ब्लड को डाइल्यूट करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पिपेट हैं, WBC पिपेट, RBC पिपेट। WBC पिपेट जो होती है वो WBC काउंट करने के लिए की जाती है और RBC पिपेट RBC काउंट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। WBC पिपेट जो है एक माइक्रो पिपेट होती है, अंदर एक कैपिलरीज लगी होती है जो बाद में एक बल्ब की फॉर्म में फूले हुई स्ट्रक्चर्स बनाती है। ये इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। इसके अंदर एक वाइट वीड पड़ी होती है, ये वीड जो है ये वाइट कलर की होती है WBC में, और RBC में होती है रेड कलर की। बाकी पिपेट पर देखिए 0.5 मार्किंग लिखा होता है, 1 मार्किंग लिखा होता है और 11 मार्किंग, जबकि RBC में यहाँ पर 11 की जगह 101 मार्किंग रहती है। ठीक है, ये होता है WBC RBC पिपेट। ये आपको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में थोड़ा सा एल्कोहल, एल्कोहल पैड स्टरलाइज करने के लिए, कवर स्लिप और स्लाइड को क्लीन करने के लिए, यानी कि आपको जब स्लाइड का यूज़ करना होगा तो आप इसको थोड़ा सा क्लीन रखेंगे, स्टरलाइज कर देंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर में आप WBC पिपेट लेंगे जिसमें आपको 4 फिंगर्स पर नेडल के द्वारा प्रिक करके ब्लड को बाहर निकालना है। ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप को आपको डिस्कॉर्ड करना है क्योंकि इसमें प्लाज्मा रहता है ज़्यादा, ब्लड की क्वांटिटी कम रहती है। उसके बाद आप उस ब्लड को 0.5 मार्क तक पिपेट में भर लीजिए और फिर डायल्यूटिंग फ्लूड को 11 मार्क तक चढ़ा लीजिए। इस तरीके से आपको दिखाया गया है किस प्रकार से ये, और ये जो रबर होती है ट्यूब की, रबर ट्यूब को आप अगर पिपेट में ब्लड ऊपर नहीं चढ़ रहा है अपने आप तो आप इसको सक करके, माउथ के द्वारा सक करके ब्लड को ऊपर चढ़ा सकते हैं जो कि इस बल्ब के अंदर आ जाएगा, फ्लूड आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। उसके बाद आप इसको प्रॉपर शेक करके मिक्स कर लीजिए। ब्लड लेते समय आपको खास ध्यान यही रखना है कि ब्लड की क्वांटिटी 0.5 मार्क तक ही आनी चाहिए वरना रीडिंग गलत रहेगी, और उसके बाद फ्लूड जो है वो 11 मार्क तक आना चाहिए। फ्लूड आने से जो ब्लड होता है वो 20 टाइम्स डाइल्यूट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लड जो होता है वो 20 टाइम्स डाइल्यूट हो जाता है बाय डाइल्यूटिंग फ्लूड के द्वारा। हीमोसाइटोमीटर की डिस्कवरी के बारे में देख लीजिए, इन्वेंट के बारे में। हीमोसाइटोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाई लुइस चार्ल्स मेलेसेज। सबसे पहले इसको इन्वेंट किया लुइस चार्ल्स मेलेसेज ने, उसके बाद न्यूवार ने इसको इम्प्रूव किया, इसलिए उनके नाम से ही इसको इम्प्रूव न्यूवार काउंटिंग चैम्बर कहा जाता है। इस काउंटिंग चैम्बर्स के अंदर दो चैम्बर्स हैं,
ये जैसे कि हमने पहले बताया है, ये चैम्बर्स किस प्रकार से दिखाई देते हैं आइए देखते हैं। अच्छा, ब्लड को आपके क्या करना है, जो पिपेट ली है उस पिपेट के द्वारा आप उस सारे ब्लड को इसमें ग्रुप्स में डाल देंगे। कवर स्लिप ढक कर इस ग्रुप में ब्लड्स को डाल देना है। ग्रुप में ब्लड डालते ही वो सारा ब्लड इन चैम्बर्स में भी भर जाएगा। ब्लड चैम्बर्स में भरने के बाद ही आपको इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप पर रखना है। माइक्रोस्कोप पर सेट कर लीजिए, ये चैम्बर्स आपको दिखाई देंगे। आपको किसी एक चैम्बर पर उसको फोकस कर देना है। ये चैम्बर्स कितना बड़ा होता है, इसका साइज है 3 मिलीमीटर। जो लार्ज ये स्केल है पूरा वो 3 मिलीमीटर का है वाइड और 3 मिलीमीटर लॉन्ग है, जिसमें आप देख रहे हैं 9 स्मॉल स्क्वायर्स, बिग स्क्वायर्स कह सकते हैं, बिग स्क्वायर्स बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें से ये जो ब्लू कलर हमने दिखाया है जिसमें WW लिख रखा है, ये WBC काउंटिंग चैम्बर कहलाते हैं। तो इन काउंटिंग चैम्बर्स में ही हमें WBC को काउंट करना है, बाकी किसी भी चैम्बर्स में हमें काउंट नहीं करना है। क्लियर? तो ये चैम्बर्स जो होते हैं इनको हम W1, W2, W3 और W4 का नाम दे देते हैं। आप माइक्रोस्कोप पर W1 वाले चैम्बर्स को सेट करेंगे, बिग स्क्वायर्स को। एक बिग स्क्वायर्स के अंदर 16 स्मॉल स्क्वायर्स बने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 इधर 4 इधर, टोटल मिला के 16 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। इसमें भी 16 16 16, टोटल मिला के जो स्मॉल स्क्वायर्स का नंबर हो जाता है 9, कितने में, 4 बिग स्क्वायर्स में, 4 बिग स्क्वायर्स में 64 स्मॉल स्क्वायर्स बन जाते हैं। क्लियर? इसका मतलब आपको जो WBC काउंट करना है वो 64 स्मॉल स्क्वायर्स में काउंट करना है, एक एक करके। क्लियर? काउंटिंग कैसे की जाती है उसके लिए हमारे पास इस तरीके से हमने बनाया, ये एक चैम्बर, ये चैम्बर इतना बड़ा 3 mm का होता है, हर एक बिग स्क्वायर 1 mm का लेंथ और ब्रेथ होती है। इसकी ब्रेथ जो है यहाँ से आप देख सकते हैं 0.1 mm की रहती है। तो 0.1 mm की ब्रेथ है और एक बिग स्क्वायर का एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। टोटल वॉल्यूम जो हो जाता है वो 0.1 mm³ होता है। इसका मतलब जब हम इन 4 WBC के बिग स्क्वायर्स में चैम्बर्स में WBC काउंट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें सिर्फ एक स्क्वायर बिग स्क्वायर्स यानी कि 16 स्मॉल स्क्वायर्स में WBC देखना होती है कितनी है, यानी कि हमें वॉल्यूम पता चल जाता है कितने वॉल्यूम में WBC हमने देख ली 0.1 mm³ में। चारों में हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक चैम्बर्स में देखना है लेकिन उसका एवरेज निकाल कर। ठीक है, तो एवरेज वगैरह कैसे निकालते हैं, उनको काउंटिंग करने का तरीका क्या है, ये देखिए कैसे काउंट करना है। आप इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि काउंटिंग करने के लिए आप इस तरीके से चलिए लेफ्ट टू राइट, फिर ये टर्न करिए, फिर ये टर्न करिए, फिर इस तरीके से। क्लियर? तो इस पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेफ्ट और बॉटम लाइन पर जो भी WBC आएगी उसको आप काउंट नहीं करेंगे, बाकी मिडिल में या ऊपर और राइट साइड में अगर लाइन पर कोई WBC आ जाती है तो उसको आप काउंट कर लीजिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप काउंट कर लेंगे तो मान लीजिए सपोज कर लिए 42 इसमें आ जाती हैं, 43 इसमें आ जाती हैं, 45 इसमें आती हैं और 46 मान लीजिए इसमें आ जाती हैं, ये नंबर WBC का मिल जाता है। नॉर्मली इस तरीके का ही नंबर आता है। तो कैलकुलेशंस के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, आपको लिखना है नंबर ऑफ WBC इन 64 स्मॉल स्क्वायर इन डायल्यूटिंग ब्लड, 64 स्मॉल स्क्वायर्स में हमने WBC काउंट करनी है जो कि डायल्यूटेड फ्लड होता है। तो उसके लिए आप क्या करना है, जो भी आपने इन बिग स्क्वायर्स में WBC काउंट किया है उन सबको जोड़ दीजिए, 4 बिग स्क्वायर्स हैं उनको जोड़ दीजिए। सपोज इसका नंबर जो है हमारे पास n आ गया, शॉर्ट में लिख दिया हमने इसको। इसके बाद आपको जो नंबर ऑफ WBC निकालनी है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो आपको करनी है।
आप यहाँ पर 16 स्मॉल स्क्वायर्स का निकालिएगा, तो 16 स्मॉल स्क्वायर्स में डाइल्यूटेड ब्लड में, डाइल्यूटेड ब्लड का आपको जरूर ध्यान रखना है, जो ब्लड हो चुका है वो डाइल्यूट हो चुका है, तो 16 में कितनी WBC मिलेंगी, तो 64 इंटू 16 डिवाइड कर दीजिए, 16 4 64 n/4, क्लियर। उसके बाद तो 16 स्मॉल स्क्वायर्स यानी कि एक बिग स्क्वायर्स का वॉल्यूम कितना है, अभी हमने निकाला है 0.1 mm³। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ WBC है इन कितने वॉल्यूम में मिलेगा, 0.1 mm³ में ये मिल गया, डायल्यूटिंग फ्लूइड में कितना, n/4 मिल गया। हमें काउंट करनी है WBC 1 mm³ में, WBC इन 1 mm³, ये भी ध्यान रखना है कि इन डायल्यूटिंग ब्लड होता है, ठीक है, डायल्यूटिंग ब्लड में इसकी वैल्यू इतनी आएगी n/4, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10 से, ठीक है, तब ये 1 mm³ में निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, यूनिटरी में है, देखिए 0.1 ऊपर जाएगा और 1 ऊपर जाएगा, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ऊपर 0 आ जाएगा, इस तरीके से इतनी वैल्यू आ जाएगी। आपको अब निकालना है अनडाइल्यूटेड ब्लड में WBC, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड था इनिशियली जो फिंगर से निकाला है वो अनडाइल्यूटेड था, जिसको हमने डाइल्यूट किया था WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड से, तो अब हमें 1 mm³ में WBC इन अनडाइल्यूटेड ब्लड में WBC काउंट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस, n/4 × 10 × 20, क्योंकि हमने ब्लड 20 टाइम्स डाइल्यूट किया था डाइल्यूटिंग फ्लूइड से, तो ये काट दीजिए, तो इसका वैल्यू आ जाती है n × 50। सपोज वो चार जो हमने बिग स्क्वायर्स देखे थे उसमें n की वैल्यू मान लीजिए कितनी आ जाती है, सपोज ये 150 निकल के आ जाती है, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 7500। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ WBC 1 mm³ अनडाइल्यूटेड ब्लड में 7500 मिल गई। एक एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन के अंदर WBC का नंबर 6000 to 8000 तक हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से हम WBC काउंट कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। आगे हम RBC काउंटिंग करना सिखाएंगे, तो RBC काउंटिंग करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा जरूर देखिए। गुड बाय।